नमस्कार, मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कोविड-19 के इस संक्रमण में आप सभी सकुशल होंगे। डीसीए ऑनलाइन ट्रेनिंग इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण से संबंधित ढेरों वीडियो आप देख सकोगे। आज तक हमने वर्णमाला शब्द के बारे में देखा। शब्द के विचार जब हम करते हैं तो वहां पर विकारी और अविकारी के बारे में देखा। विकारी में चार भेद है, विकारी शब्दों में चार भेद है। उनमें से पहला जो है संज्ञा। अब ये संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा से क्या तात्पर्य है, ये देखिए। यहां पे मैं कुछ शब्द लिखता हूं, सूरज, भारत, देवराज, किसान, लक्ष्मी, हिमालय, परिवार, प्यार, गुस्सा। अगर हमने इनकी तरफ देखा तो हमें लग रहा है किसी न किसी के नाम है, है ना। किसी व्यक्ति का नाम है, कहीं पर भावना है, तो कहीं पर स्थान का नाम है, कहीं पर्वत का नाम है ना। यानी कि इस संसार में जितने भी गोचर और अगोचर वस्तुएं हैं उन्हें पहचानने के लिए इंसान ने हर एक चीज को एक नाम दिया है और उसी नाम को हिंदी व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सूरज, देवराज, रामायण, सानवी, गुस्सा इत्यादि, ये सारे जो है किसी न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा में भी भेद है, तो वे भेद है पांच भेद है। संज्ञा में कितने भेद हैं, संज्ञा में पांच भेद है। संज्ञा में पांच भेद है, तो वे कौन कौन से होंगे। तो संज्ञा के जो पांच भेद है वे कुछ इस तरह है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक,
चौथा है पदार्थ या द्रव्यवाचक, और पांचवा समूहवाचक। तो संज्ञा के ये पांच भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम इसका पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर हमने देखा कि व्याकरण के हिसाब से देखा, उसके नाम के हिसाब से देखा, तो बहुत से छात्रों में जो है समस्या है, वे सोचते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति का ही नाम है, जैसे कि इंसानों के नाम, इंसानों के नामों को ही वे व्यक्तिवाचक संज्ञा समझते हैं। लेकिन यह बात गलत है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि ऐसे संज्ञा या ऐसे शब्द जिनके उच्चारण से या जिन्हें लेने से हमें किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। अब देखो, घर में जब बच्चा पैदा होता है तो सब कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बाद में उसी बच्चे को पहचानने के लिए माँ बाप उसका नामकरण करते हैं, तो आगे चलकर कोई उसे बच्चा नहीं कहते, उसका नाम लेते हैं। तो उसी तरह जिन जिन चीजों को हमने निर्दिष्ट रूप से नाम दिया है, वो चाहे व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, जगह हो सकता है, या नदी, पर्वत, जिन सारे चीजों को भी हमने नाम दिए हैं, वे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। यहां सिर्फ अकेले व्यक्ति यानी कि स्त्री पुरुष से संबंध नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस तरह होगी, जिस संज्ञा से किसी निर्दिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से नाम आते हैं? उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों के नाम, सूरज, देवराज, लक्ष्मी, सांभी इत्यादि, आप ऐसे कई सारे उदाहरण यहां पे लिख सकते हो। दूसरा आता है किताबों के नाम, इसमें किताबों के नाम लिख सकते हो जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल इत्यादि। फिर आता है नदियों के नाम,
गंगा, कावेरी, गोदावरी, फिर है पर्वतों के नाम, फिर देशों के नाम, फिर है शहरों के नाम, यानी कि यहां आप अपने मर्जी से इनको नाम लिख सकते हो। यानी कि हमने हर जगह को पहचानने के लिए एक नाम दिया है। यहां यह लिस्ट ऐसी ही लंबी चौड़ी बनती जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं बल्कि इन सारे चीजों के नाम आते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा करता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पूरी तरह समझ में आई है। तो अब उसका दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरा भेद कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। अब यहां पर भी छात्रों को जो है समस्या है। प्रथम दर्शन में अगर हमने देखा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि समझते हैं जाति मतलब जाति, धर्म, संप्रदाय, लेकिन यहां हिंदी व्याकरण में कोई हिंदू, मुस्लिम, क्रैस्त, ईसाई, ये जाति धर्म नहीं आते, बल्कि व्यक्तियों की जाति आती है, वस्तुओं की जाति आती है, स्थान की जाति आती है ना। तो यहां पर किसी अकेले व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि उसके पूरे वर्ग का बोध होता है। तो आइए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी अकेले व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर उसके समस्त वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घर में बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, तो प्रारंभ में उसे बच्चा या बच्ची, बालक या बालिका कहा जाता है। आगे चलकर उसको नामकरण किया जाता है। जब नामकरण किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब नामकरण नहीं है तो उसके बदले में जो प्रयुक्त होता है वह शब्द उसके पूरे वर्ग को संबोधित करता है। तो उसी तरह जिस संज्ञा से किसी अकेले व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर उसके समस्त वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब यहां पे जातिवाचक कौन कौन से है, तो देखो जैसे पहला है मनुष्य जाति, इसमें आता है स्त्री, पुरुष, पति, पत्नी, लड़का, ऐसे ही। उसके बाद आता है पशु या पक्षी, क्योंकि हमने पशु पक्षियों को भी नाम दिया है ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं पुण्य कोटि गाय, गाय है लेकिन उसे हमने क्या कहा है, पुण्यकोटि। पुण्यकोटि कहा तो व्यक्तिवाचक में गया, और अगर सिर्फ गाय कहा तो
तो जातिवाचक में आ जाता है। तो वैसे यहाँ पशु पक्षियों के नाम, फिर यंत्रों के नाम, यंत्र जाति, फिर पद या व्यवसाय, अब पद या व्यवसाय जैसे कि किसान है, अध्यापक है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई अध्यापक है, कोई प्रधान अध्यापक है, तो ये सारे पद या वे जो व्यवसाय करते हैं वे व्यवसाय सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके अलावा नदी, पर्वत, देश, शहर, गांव, ये सारे शब्द भी जातिवाचक में आते हैं। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, देखो हिमालय पर्वत। अब हमने सिर्फ पर्वत के नीचे रेखांकित किया तो पर्वत शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। उसके बदले अगर हमने हिमालय शब्द के नीचे रेखांकित किया तो हिमालय क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। तो आशा करता हूं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में आए होंगे। आज की अवधि में हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।